हिमाचल सरकार के आईटी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे का फेसबुक पेज से प्रकाशित कंटेंट पर स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका था और वे लाहौल स्पीति में थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात देरी से पता चली जब उन्होंने फेसबुक पर प्रकाशित कंटेंट किसानों के आंदोलन के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच के आदेश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में स्पीति के बाद लाहौल के दौरे में था, लाहौल स्पीति में, उस बीच में मेरा फेसबुक अकाउंट जो है हैक हुआ। हमें ये समझता रहा शायद उन दिनों की लाहौल स्पीति में आपका जो है नेट भी नहीं था, इससे शायद ये मेरा मोबाइल जो है हैक हो गया या बंद हो गया है। जब देखा वापस से मैं शिमला वापस आया तो देखा तो उसमें जो है मेरा मोबाइल हैक हो चुका था, फेसबुक अकाउंट जो है हैक हो चुका था। साथ में जो है एक ऐसा आपत्तिजनक मेरे अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में एक ऐसा फोटो डाला गया था जिसने कहा था मैं जो है इस समर्थन का करता हूं जो आजकल जो किसान आंदोलन का, और उसके बारे में इंक्वायरी के लिए कहा है मैंने। डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि कृषि बिल किसानों के लिए बहुत हितकारी है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल को लागू होने के बाद किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को अपनी फसलें आढ़तियों के माध्यम से बेचनी पड़ती थी, लेकिन कृषि बिल के लागू होने के बाद किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों का ये प्रदर्शन बेफजूल है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि बिल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कृषि बिल को लेकर जो है मैंने बहुत पहले अपना स्पष्टीकरण दिया था कि ये कृषि बिल जो है भारत सरकार लेके आई, लगभग 11 स्टेट्स ने इसका समर्थन किया है। ये कृषि बिल जो है किसानों के समर्थन पक्ष में है। ये कृषि बिल के माध्यम से किसानों का आमदनी जो है डबल होगा, और कृषि बिल के बाद आज जो समर्थन करने जा रहे हैं, जो किसान दिल्ली में जो या हरियाणा पंजाब में जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा नहीं होगा। इस एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने से जो है किसान अपना जो है मार्केटिंग यार्ड के साथ साथ बाहर प्राइवेट भी मार्केटिंग यार्ड खोल सकता है, जो ई टेंडरिंग के माध्यम से। इसमें जो है एक बहुत बड़ा जो है झोला छाप, जो आपके यहाँ पर आरती आते थे वो झोला छाप की आरती आना बंद हो जाएंगे। किसानों का बहुत पैसा खा के चले गए हैं जो झोला छाप की यहाँ पर आरती आते थे, जो दुकानदारी करते थे। इससे ये सब रुकावट लगेगा। ये कृषि बिल जो है किसानों के पक्ष में है। मैं जो आज जो दिल्ली में बाकी राज्यों में जो जो ये इसका विरोध कर रहे हैं उनको कहूंगा इस बिल को पढ़ें और इसका समर्थन करें।